नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आपकी स्पीड को कंपेयर किया जाए किसी और की स्पीड के साथ भी, तो क्या बन जाती हो? रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटीज। समझ में आई बात है? जब आपकी वेलोसिटी को कंपेयर किया जाए किसी और की वेलोसिटी के साथ, तो इट बिकेम रिलेटिव वेलोसिटीज। समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो दो गाड़ी जा रही हैं भाई सेम डायरेक्शन में विद डिफरेंट स्पीड भी। अब क्वेश्चन ये पूछाएगा कि ए गाड़ी का ड्राइवर का स्पीड बी के हिसाब से कितना होगा भाई? बी की स्पीड नहीं पूछ रहा आपसे, वो क्या पूछ रहा है? बी के अकॉर्डिंग कितना आंसर है? ओके, तो क्या आंसर है? रिलेटिव वेलोसिटी का। जब दो वेलोसिटीज को क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा आपस में भी, तो क्या बन जाएगा? वो रिलेटिव वेलोसिटीज। समझ में आई? लिखिएगा, कुछ आइडिया मिल रहा है थोड़ा बहुत क्या करने जा रहे हैं? लिख लीजिए भाई। इसमें पता नहीं क्या क्या रहता है, लिखिए लिखिए। व्हेन वी कंपेयर द वेलोसिटी, व्हेन वी कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट भी, it is called a relative velocity। जब आपकी velocity को compare किया जाएगा किसी और की velocity के साथ, तो क्या बन जाएगी? relative velocity। simple सी बात। तो क्या बोला था? when we compare the speed of one object with respect to velocity of other object। मैं velocity और स्पीड को कई बार एक जैसे बोल रहा हूँ, कई जगह वेलोसिटी बोलता हूँ, कई जगह स्पीड बोलता हूँ। आपको पता है कि डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है ना भाई? एक डिस्टेंस बाय टाइम, एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन अगर मैं बोल दूँ हम ए से बी जा रहे हैं जो कि 5 मीटर का है विद 2 सेकेंड के अंदर, तो व्हाट इज द स्पीड? 5/2। व्हाट इज द वेलोसिटी? 5/2। यूनिफॉर्म मोशंस इन स्ट्रेट लाइन में स्पीड वेलोसिटी बराबर होती है भाई, इसलिए दोनों वर्ड एक साथ बोल देता हूँ कई बार। सही है कि नहीं है? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेस, वेलोसिटी एंड स्पीड आर इक्वल्स, और कहीं नहीं होती भी। कर पाओगे? तो इसलिए मेरे मन लगाता कई बार क्या बोल देता हूँ, स्पीड बोल देता हूँ, कई बार वेलोसिटी बोल देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से भी। इसको कर लोगे भाई? तो हमें टॉपिक करना है, हमें निकालना है व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, इधर कैसे निकालनी है देखिएगा। दो ऑब्जेक्ट तो कम से कम होने चाहिए इसके लिए भी, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट तो ये है भाई, एक ऑब्जेक्ट ये है। मतलब ये मान लेते हैं मैं ऑब्जेक्ट, क्या माने बताऊँ, कुछ भी मान लो, ए मान लेते हैं। ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी है, अभी गाड़ी नहीं है, ये इसके रास्ते हैं चलने के तरीका है। ये चलना शुरू किया 0 से, ये भी चलना शुरू किया 0 से, और ऐसे जा रहे हैं। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो नीचे कर लेते हैं इसको। ये भी 0 पॉइंट है, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा है? डी मान लेते हैं। जरूरी नहीं बराबर हो, बराबर भी हो सकते हैं, कोई कंडीशन भी नहीं है, ना भी हो ना बराबर हो भी सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं इस चीज़ के लिए। कर लोगे? वही कंडीशन ले लेते हैं भाई, आपको याद आया मापना तो यहाँ से है भाई। तो कितना आएगा यहाँ पे टाइम? 0। t = 0 यहाँ पे टाइम कितना भाई? t1। ठीक है, यहाँ से अपना शुरू किया, अगेन टाइम 0 भाई। ये सर ना, मैं मान लूँ टाइम बराबर है भाई, बराबर ही मान लेते हैं। मैं मान लेता 10 सेकेंड बाद क्या होगा दोनों के लिए? दोनों के लिए 10 सेकेंड बाद क्या होगा? टाइम को बराबर मान लेते हैं, कंडीशन कुछ नहीं है, आपकी मर्जी से सब कुछ करो भाई, कोई कुछ नहीं मानना बुक में से क्या है कि नहीं है, मर्जी मेरी, टाइम बराबर मानू कि ना मानू भाई। ये सर ना, ये डिस्टेंस कितना लिया था कुछ याद है? ये तो x0 था भाई, किस बॉडी के लिए? फर्स्ट बॉडी के लिए। फर्स्ट बॉडी है ए मानू कि फर्स्ट बॉडी मानू? फर्स्ट बॉडी। ये कौन सी बॉडी? सेकंड। यस को ए और बी मान लो, चॉइस इज यूवर्स, कुछ भी करोगे कर लोगे। ये भाई
ये भी टाइम जीरो था, तो डिस्टेंस कितना, जरूरी नहीं बराबर हो भाई, मैं इसको x02 मान लेता हूँ सेकंड बॉडी के लिए। x0 तो है लेकिन ये फर्स्ट बॉडी की है, किसकी है, सेकंड बॉडी की। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक में क्या लिया था, याद है कुछ, x1, यहाँ से यहाँ तक का मैं x2 ले लेता हूँ सेकंड बॉडी का भाई। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर नो, डायग्राम बनाओ। देख लीजिए, वी हैव टू बॉडी फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव टू बॉडी वन एंड टू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। वी हैव टू बॉडी वन एंड टू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। किसके लिए कर रहे हैं, कैसे ये कि चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, ओके तो इस बॉडी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन वी क्लास, एक्स वन का वैल्यू कितना होगा भाई फर्स्ट बॉडी के लिए हैं? आगे लिखिए, मैंने क्या लिखा था, मूविंग विद सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी वन एंड वी टू, विद वेलोसिटी वी वन एंड वी टू, किस वेलोसिटी चल रही हैं, वी वन एंड वी टू। यूनिफॉर्म मोशन की इसमें हर वेलोसिटी कितनी है, वी वन है भाई, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी टू है, बराबर जुड़ी थोड़ी बराबर होंगी, स्पीड है अलग हो सकती हैं, यस सर ना। तो बताओ भी क्लास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन भाई, इसका वेलोसिटी वी वन है, इसका कितना है वी टू, तो एक्स वन कितना लिखोगे, एक्स जीरो वन, एक्स जीरो वन प्लस ये डिस्टेंस ए बी, कैसे लिखूँ, वी वन इंटू टी वन भाई, वी वन इंटू टी वन, सही लिखा है मैंने, यस आर नो। एक्स टू कैसे लिखूँ, एक्स जीरो टू, और ये वाला भाई वी टू टी, वी टू टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ओके लिखिए आगे लिखो, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, या टू को वन से करो या वन से टू करो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है भाई, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि अलग कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंस क्या है बताऊँगा आपको, इस चीज़ का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्टिंग क्या लिखवा था, वन फ्रॉम टू, तो कैसे लिखोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन पे, टू में से वन कटाओ, ऐसे कटाएंगे लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ, कितना आंसर आएगा, एक्स जीरो टू, ये प्लस था ना भाई, वी टू टी प्लस का माइनस एक्स जीरो वन माइनस वी वन टी, टी नहीं टी वन नहीं है क्लास, टी है, तुम बोल क्यों रहे, गलत लिखाई जा रहे हैं यहाँ पे, सो रहे हो क्या, ये टी था ये प्लस था, बोला क्यों नहीं, पता ही नहीं है, है ना। एक्स टू माइनस एक्स वन को ऐसे ले सकते हैं, एक्स जीरो टू माइनस एक्स जीरो वन प्लस, यहाँ से कॉमन टी आ सकता है भाई क्लास, वी टू माइनस वी वन इंटू टी, क्या सही लिखा, चेक करो सही है कि नहीं है, हो गया। अब ये चीज़ जो लिखी गई है इसका मतलब क्या है, अभी देखिए मैं लिख रहा हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन, ये जो लिखा है ये क्या मतलब है, इसका मतलब है रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ टू, टू की निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वन भी, पूरा लिख दो विद रिस्पेक्ट टू वन, जो लिखा गया है एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस है टू की, किसके अकॉर्डिंग भाई, फर्स्ट के अकॉर्डिंग भाई, क्योंकि हमने घटाया इसमें से, ये है उल्टा करें तो क्या आएगा, टू को कटाओ फर्स्ट में से, कैसे लिखोगे इसको, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, क्या बोलोगे, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टू है भाई,
समझ में आ रहा है? जो पहला आए वो उसकी निकाल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं? सेकंड के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, जो सेकंड वह आएगा। इट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। गाड़ी जा रही हैं दो, एक 50 से एक 70 से, आप बोलोगे 50 के हिसाब से कितना स्पीड? अरे ये तो बोल सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग तेरी स्पीड कितना भाई, उल्टी बात होगी ना। तो कैसे लिखा जाएगा उसको? जिसकी निकाल रहे हैं वो पहले, जिसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं वो बाद में। एनी प्रॉब्लम भाई? अभी देख मैं कुछ और भी हैं, यार वो कर दें। x02 - x01, इसको मैं x ले लूँ भाई, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी। अरे कुछ कुछ घटाओगे किसी चीज़ में से, कुछ तो आंसर आएगा। एक्स भी डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटाई गई है, आंसर क्या आना है? डिस्टेंस का ही आना है, सही है। x02 - x01 मतलब क्या इस बात का? क्या बोलोगे? रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू किसके भाई? वन, व्हेन टाइम इज जीरो, लिख सकता हूँ व्हेन टाइम इज जीरो। x01 x02 किसकी कंडीशन की थी? जब टाइम अपने माप पाई नहीं था भाई, देख लो डायग्राम में। यस और नो? जब भी जीरो वर्ड आएगा x0 लिखा जाएगा, वो डिस्टेंस है जहाँ पे टाइम के वैल्यू कितना माना गया है? जीरो माना गया है, सही है कि नहीं है अभी? एनी प्रॉब्लम क्लास? इसको मैं x0 ले लूँ भाई, कुछ तो वैल्यू आएगी। एनी प्रॉब्लम? अरे इसमें से ये घटाओगे कुछ तो आंसर बनेगा, तो जीरो ही बना, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? कर लोगे? नेक्स्ट एक और बचा हुआ है v2 - v1। तो व्हाट इज़ v2 - v1 भाई, क्या लिखोगे? रिलेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस लिख दो, डिस्प्लेसमेंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू निकाल रहे हैं भाई, किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू वन, विद रिस्पेक्ट टू वन। तो तरीका क्या लिखने का इसका भी क्लास? इसको ऐसे लिखते हैं v21। जब भी आपको ऐसे लिखा मिल जाए 2-1, मतलब हम 2 की निकाल रहे हैं, किसके हिसाब से? फर्स्ट के हिसाब से, सही है कि नहीं है? v21 नीचे लिखा मिल रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इन सभी इक्वेशनों को यहाँ पर रख दूँ भाई, कहाँ गया इस इक्वेशन में? सही है। तो कैसे बनाओगे इसको? x2 - x1 क्या लिखा था हम लोगों ने? x2 - x1 को x लिखा था भाई, इज इक्वल टू x0 + v21 t। क्या मैंने ऐसे लिखा? कुछ तो बता दो, या सर नो? नहीं बताओगे? v21 क्या होगा भाई? x - x0 / t। यहाँ ले जाऊँ, गुणा में टी है तो भाग में टी। दिस इज द फार्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी भाई, दिस इज द फार्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। एक फार्मूला ये आ गया भाई, सही है कि नहीं है? कर लोगे? कुछ फर्क है भाई? डिस्टेंस बाय टाइम ही तो है अभी भी, डिस्टेंस बाय टाइम। एनी प्रॉब्लम क्लास? कर पाओगे? यस और नो? तो देखिए अभी इसका केस फर्स्ट बनाएं, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, केस बनाइए थोड़ी है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन बॉडी मूव, व्हेन बॉडी इज मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ये बॉडी ए है भाई, ये जा रही है ऐसे भी विद वेलोसिटी v1, ओके। ये बॉडी बी है, इधर जा रही है विद वेलोसिटी v2, ओके। ये केस में जो किया था किसके लिए किया था हम लोगों ने? इट इज फॉर सेम डायरेक्शन भाई, यस और नो? अगर आपको निकालना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कैसे लिखोगे इस कंडीशंस को भाई? ये रहा भाई फार्मूला, सही है। कैसे लिखोगे बताओ? v b a
वी बी माइनस वी ए बी, ये बात सही है कि नहीं है? ये वन टू में जब ये ए बी में बना दिया मैंने, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई नहीं पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है भाई, कैसे भी हो सकते हैं। समझ में आया? ये जो मैंने टॉपिक पूरा किया हुआ है किसके अकॉर्डिंग किया हुआ है, जब बॉडी किसमें चल रही थी, सेम डायरेक्शन में चल रही थी। सेकंड केस हो सकता है इसका, सेकंड केस क्या होगा? व्हेन बॉडी मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, भी अपोजिट डायरेक्शन, अगर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं कैसे चलेंगी? बिकलस एक बॉडी जाएगी ऐसे, एक बॉडी डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी, इसको ए मान लें, विद वेलोसिटी वी वन। एक बॉडी जाएगी जो ने ऊपर बनाया ना, ये ऊपर जो लाइन बनाई है दिख रही है, ये वेक्टर को दिखाने के लिए कि वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, इट इज़ फॉर वेक्टर। ये टू सी में बताएंगे आपको हम लोग, ये जो ऊपर बना रहा हूँ ना, ये ऊपर बना रहा हूँ ऐसे, ये बहुत बताने के लिए कि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में आएंगे इनकी भी। कर लोगे? जरूरत नहीं है बनाने की अभी तक आपको, नाम मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेक्टर पढ़ा नहीं है अभी तक हम लोगों ने, जब सी पढ़ लेंगे ना तब बनाएंगे उसको प्रॉपरली, ठीक है? रहने दो इसको। एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है विद वेलोसिटी वी बी बॉडी, कर लोगे? इस केस में बनाना हो आपको भी, आपको क्या बनाना है इस केस में? आपको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी भाई? ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कैसे लिखोगे क्लास? फॉर्मूला तो वही बनता है भाई, क्या बनाओगे? वी बी ए, दिख रहा है? क्या लिखोगे? वी बी माइनस वी ए, सही है? क्या वी ए की डायरेक्शन सेम है पहले वाली? कितना है डायरेक्शन, क्या होगी उसकी? उल्टी होगी है, जो डायरेक्शन उल्टी होती है तो किसका साइन आता है? माइनस का साइन आता है वेक्टर दिखाने के लिए, डायरेक्शन उल्टी होती है ना तो किसका साइन आएगा? माइनस का, वेक्टर में क्या ये माइनस की है, ये बताने के लिए डायरेक्शन क्या होगी पहले से इसकी? उल्टी होगी। तो क्या आंसर आएगा? प्लस वी बी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वी ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वेलोसिटीज माइनस की गई हैं, उल्टी चल रही हैं वेलोसिटी प्लस की गई हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट है, अभी दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट है ये बी ऑब्जेक्ट है, अभी इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर हावर, भी इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर हावर, ओके? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके अकॉर्डिंग? भी वी बी माइनस वी ए बी, तो क्या आंसर आएगा? 70 माइनस 50 आंसर इज 20 किलोमीटर पर हावर, सही लिखा मैंने? यस और नो? उल्टा पूछ रहा हूँ भी, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये भी तो हो सकता है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे बनाओगे? वी ए माइनस वी बी, आंसर इज व्हाट? 50 माइनस 70 भी, आंसर इज माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया आप? कहाँ प्लस कहाँ माइनस हो रही है अभी? यस और नो? कर पाओगे? इसका एक और एग्जांपल करते हैं अभी, सेकंड एग्जांपल क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे भाई विद 50 किलोमीटर पर हावर भी, और एक चल रहा है ऐसे विद 70 किलोमीटर पर हावर इन द अपोजिट डायरेक्शन भी, इन द अपोजिट डायरेक्शंस। इंक नहीं तुम्हारे पास भी? बताओ भी क्लास, पहला निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फॉर्मूला क्या बनाओगे? चलो बी के पहले बी कह दो, बी का किया ना, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी बी प्लस वी ए भाई, yes, कितना आंसर भाई? 70 प्लस 30 50 कितना हो गया? 120 किलोमीटर पर हावर भाई, 120 किलोमीटर पर हावर। उल्टा करते हैं भाई, ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
तो क्या लिखोगे? वी ए प्लस वी बी भाई, क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा लिखोगे, उल्टा बोल रहे हैं हम लोग। ऐसे लिखोगे, फर्क क्या रहेगा दोनों में? फिर ऐसा लिख दिया तो क्या लिखोगे? उल्टी कौन चल रहा है? इस कंडीशन में क्या मान लिया? बी को क्या लिया हुआ? पॉजिटिव लिया हुआ है। और ये नेगेटिव था स्लिप, क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। फॉर्मूला क्या बन रहा था? वी बी माइनस वी ए था, माइनस माइनस क्या हो गए थे? प्लस। अब क्या लिख रहे हो आप लोग? वी बी ए, पहले किसको ले रहे हो? नेगेटिव को ले रहे हो, कौन सा है? माइनस वी ए। और माइनस क्या लिखोगे? वी बी, ये भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। समझ में आया थोड़ा बहुत टॉपिक भी? यस और नो? मेरा फार्मूला एक्चुअल में वी इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू भी, या वी ए माइनस वी बी। अब वी बी को मैंने पहले ले लिया तो पक्का है, माइनस तो पहले आना है उसका भी। और एक और माइनस डाल दिया वी ए के साथ आप लोगों ने, तो वी बी माइनस का वी बी, दोनों ही किसके हो गए? माइनस के। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आंसर भाई? माइनस 120 किलोमीटर पर आवर। अगर फर्क नहीं हुआ तो फायदा क्या दोनों बढ़ाने का? फिर डायरेक्शन उल्टी हो रही है भाई। ए बी ऐसा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी लिखना पड़ता है। ऐसे लिखते हैं हम लोग, वी ए माइनस ए वी बी। ए बना, ए पहले में क्या ले रखा आप लोगों ने? देखो ए पहले कंडीशन में क्या लिया हुआ है? नेगेटिव लिया हुआ आप लोगों ने, लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ? कैसे लिया नेगेटिव? आपको क्वेश्चन पहले ऐसे लिखा हुआ है आप लोगों ने, एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है, ये है वो। तो वी ए गया पहले, नेगेटिव है, पहले नेगेटिव आएगा, फिर एक और नेगेटिव आ गया, तो दोनों ही क्या हो गए? नेगेटिव। आंसर इज माइनस 120 किलोमीटर पर आवर। देखो भी क्लास क्या बोला जा रहा है, दो वेलोसिटी हैं भाई, वी ए और वी बी, उसके हिसाब से निकाल रहे हैं हम लोग वी ए और वी बी के अकॉर्डिंग। ग्राफ बनाया जाए भी, क्या ग्राफ बनाए? लिखिए, लिख दो एक बार, पोजीशन टाइम ग्राफ भी, पोजीशन टाइम ग्राफ। किसका बनाना है? रिलेटिव वेलोसिटी का बनाना है। दो कंडीशन थी, कुछ याद है? हमने लिखा था ऐसा था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। फॉर्मूला तो ये बनता है, वो अलग बात है कि प्लस माइनस हो जाते हैं हमारे आंसर्स भी। यस सर नो? ये प्लस का हो गया तो क्या हो गया? वी बी प्लस वी ए, मतलब क्या है? बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस। यस सर नो? पहला कंडीशन क्या है क्लास ग्राफ का भी? पहला कंडीशन है अगर वी बी और वी ए बराबर हो जाए तो, वी बी और वी ए क्या हो जाएं? बराबर, दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? ऑब्वियस जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। सही है कि नहीं है? दो ट्रेन जा रही हैं सेम डायरेक्शंस के अंदर, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो पैसेंजर को लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं, लगेगा भाई, गारंटी है। समझ में आया कि नहीं? क्या लगेगा पैसेंजर को? दोनों के पैसेंजर आपस में देखोगे तो क्या लगेगा? हम किस पे हैं? रेस्ट पे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उनके लिए आपस में? जीरो। इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे? ग्राफ किसके बीच का है? डिस्टेंस या पोजीशन मान लो, डिस्टेंस और टाइम का भी। सही है? याद है पहले इक्वेशन क्या थी? कुछ जब टाइम जीरो था, पहले की कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट थी भी, एक्स जीरो वन, चेक करो, एक्स जीरो वन। सेकेंड की भी थी कुछ ना कुछ भाई, जब टाइम जीरो था, एक्स जीरो टू। देख लो इक्वेशन बना रखी है, सबसे पहले इक्वेशन यही बनी थी हमारी, डायग्राम में देख कर लीजिएगा। जब टाइम जीरो था, एक्स जीरो वन और एक्स जीरो टू थी, और बॉडी चल रही होंगी विद यूनिफॉर्म मोशंस। जब दोनों बॉडी की स्पीड बराबर है क्लास, ठीक है? यस सर ना? तो ग्राफ ऐसा बनेगा भाई। ऐसा क्यों बना भाई? अब ये ट्रेन जा रही हैं दो एक साथ में, इनके अकॉर्डिंग आपस में पैसेंजर की स्पीड क्या होगी? जीरो हो जाएगी। ग्राफ क्या बनेगा?
क्या अगर आप कहीं मिलेगा आगे जाके भी नहीं मिलेगा भी। एक सिंपल सी केस है भी क्लास, आप जा रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर से और आपके को पीछा कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, क्या कभी आप मिलोगे? स्पीड वही रख रखी है हम लोगों ने, गैप हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा अभी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी सेकेंड पॉइंट डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया अभी क्लास, ग्राफ बना लिया। सेकेंड पॉइंट ये ले लेते हैं, अगर मेरा वी बी बड़ा हो जाए वी ए से भी, सेकेंड की स्पीड ज़्यादा हो जाए फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के साथ, अब बस जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, इसकी स्पीड में 90 कर दी, तो गैप बढ़ेगा कि घटेगा? लगातार गैप क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा पोजिशन, ये सर ना। तो ग्राफ कैसा बनाओगे उसका भी? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है अभी, ये जीरो, इट इज़ एक्स जीरो वन, इट इज़ एक्स जीरो टू, ये पहले की स्पीड थी भी, सेम हमने किया हुआ उसमें, चेंज सेकंड में कर दिया अभी, तो ग्राफ क्या होगा आगे? ग्राफ क्या होगा? फैलना शुरू हो जाएगा अभी। पहले ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, पैरेलल लाइन थी बिल्कुल दोनों में, अब ग्राफ क्या हो रहा है? फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्या बोलना चाहता आपको ग्राफ ये? कि दोनों के बीच का लगातार गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सही है कि नहीं है? ये सारा मौसम हम दिखा रहे हैं किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। भी एनी प्रॉब्लम क्लास भी? थर्ड पॉइंट डालूं भाई, हो गया दो पॉइंट। वी ए बड़ा है वी बी से भी, थर्ड पॉइंट था, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, क्या होगा क्लास? पुलिस की गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है अभी, क्या होगा? चोर को पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? वो पकड़ेगी, उसके बाद पिटेगी उसको, ऐसा? ये चोर था अभी जिन्हें हमने स्पीड में चेंज नहीं किया, ओके, लेकिन इसने इन स्पीड में क्या कर लिया? चेंज कर लिया, तो एटीएम के बाद क्या करेगा ये? किसको क्रॉस करेगा? पीछे वाली गाड़ी लगा था स्पीड बढ़ा दी, तो क्या करेगी इसको ये? यहाँ पे मिलेगी, फिर क्या करेगी? इससे आगे निकल जाएगी, यही होगा। दिस इज द ग्राफ, ये क्या है इसका? क्रॉसिंग पॉइंट। अभी स्पीड ज़्यादा कर दी पिछले वाली गाड़ी की, तो पक्की बात है उसको क्या करेगी? वो क्रॉस तो करेगी एक टाइम के बाद, फिर क्या करेगी? आगे निकल जाएगी उससे। सही है कि नहीं है?